नगर परिषद चुनावों की तिथियां घोषित होने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर परिषद के 11 वार्डों में पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी क्षेत्र में उतारने की तैयारियां कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में जल्द उतारेगी। आपको बता दें कि पिछली बार के चुनावों में नगर परिषद के उप प्रधान दीप बजाज ने वार्ड नंबर 2 से चुनावों में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वार्ड नंबर 2 रिजर्व होने के कारण दीप बजाज वार्ड नंबर 4 से चुनावों को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नगर परिषद के उप प्रधान दीप बजाज ने कहा कि पार्टियों ने नगर निकाय के चुनावों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी नियुक्त करती है, लेकिन ये चुनाव पार्टी सिंबल पर न होकर अन्य चिन्हों पर लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को मैदान में उतारना पार्टी का ही काम है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में 11 वार्ड हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। जनता पार्टी हर समय ही अपने उम्मीदवार जो है वो वार्डों में देती है, चाहे वो शहर हो या पंचायत हो। शहर निकायों में भी कई बार तो सिंबल भी इलेक्शन होता है, लेकिन जब सिंबल भी पार्टी वाले नहीं देते हैं तो भी वो नियत करते हैं कि इस बार से हमारा वो कैंडिडेट होगा। इस तरह हमारे नगर परिषद हमीरपुर में 11 वार्ड हैं, तो 11 वार्ड में हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 11 मनोनीत करेगी, 11 पार्षदों के लिए कैंडिडेट नियत करेगी, और जब वो नियत होंगे तो उसके बाद वो अगली कार्रवाई वो पार्टी के आधार पे अपना इलेक्शन लड़ेंगे।